बॉस आप पहले बोलते थे ना कि पहली बार में हो जाता है तो अच्छा है, लेकिन अगर पहली बार में नहीं हुआ तो बहुत और अच्छा है, क्योंकि क्या पता भगवान ने आपके लिए अगले साल और भी अच्छा कुछ सोचा हो। तो बस यही है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जय सीएलसी, मेरा नाम विनीता है और मैं अलवर से हूँ। मैंने सीएलसी क्लास 11th में ज्वाइन की थी, अलवर के अंदर ही। तो 11th हम ज्वाइन की, उसके बाद 11th का सिलेबस शुरू हुआ, फिर मार्च में हमारा 11th का सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर हमारी 12th शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले कोरोना आ गया। तो हमारी जो 12th है वो अप्रैल में शुरू हुई, वो भी ऑनलाइन शुरू हुई। उसके बाद हमारी 12th की सारी क्लासेस ऑनलाइन चली और दिसंबर में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे मिड सेशन शुरू हो गए, तो मैंने मिड सेशन दिए ही नहीं। मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मतलब मैंने शुरू से ही ऐसे सोचा कि मुझे अभी थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना है, बोर्ड्स आ रहे हैं, बोर्ड्स का पढ़ना है पहले, कोई नहीं अब नीट को तो बाद में देख लेंगे। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि टेस्ट तो कभी ना छोड़े, चाहे आपकी प्रिपरेशन आधी हो चाहे पूरी हो, टेस्ट में कितने भी मार्क्स आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर टेस्ट एक भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद टेस्ट चले, पर मैंने टेस्ट दिए नहीं थे, मैं अपनी थ्योरी पढ़ने में लगी हुई थी। फिर उसके बाद पेपर पहले 1 अगस्त को होना था और हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गए थे, तो मैंने फिर लास्ट में जो टेस्ट चले थे DCM वो ज्वाइन कर लिए थे ऑनलाइन में और मैंने वो दिए थे। फिर मैंने लास्ट में बस वही टेस्ट दिए थे। फिर उसके बाद 1 अगस्त को होना था पेपर, पर वो शिफ्ट हो गया था और वो 13 सितंबर को हुआ था। उसके बाद पेपर पेपर हुआ तो फिर मतलब मैंने टेस्ट नहीं दिए थे, तो मेरी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही पेपर में इतनी ज़्यादा कम हो गई कि मेरा फिजिक्स का तो आधा पेपर ऐसे ही छूट गया। मतलब फिजिक्स में तो देखते ही ऐसे, किसकी बात कर रही है तुम? हाँ, फिजिक्स में तो ऐसे देखते ही हाथ पैर फूल गए, मतलब पूरा ऐसा हो गया कि अब तो बस नहीं होगी अब तो फिजिक्स। फिर उसके बाद फिर कैसे जाते, मतलब जैसे तैसे हुआ, पेपर दे दिया, घर आए, घर आके मार्क्स कैलकुलेट करे तो 35-40 ऐसे मार्क्स बैठ रहे थे और वही रिजल्ट में आए। फिर उसके बाद सिलेक्शन तो नहीं होना था, तो पापा ने बोला चलो इसको एक बार CLC सीकर करवा देते हैं। तो फिर नेक्स्ट ईयर हमने CLC सीकर में एडमिशन लिया, यहाँ आए, यहाँ पर हमारी क्लासेस शुरू हुई, हमारे माइनर्स शुरू हुए। इसके बाद हमारे माइनर्स चले, माइनर्स चलने के बाद फिर मार्च में हमारी बायोकेम चली, बायोकेम के बाद फिजिक्स इको, फिर लगातार टेस्ट होते, फिजिक्स इको के बाद फिर DCM और फिर दंगल। सबसे ज़्यादा जो CLC के जो टेस्ट अच्छे लगे मुझे वो तो दंगल ही थे, क्योंकि दंगल क्या होते हैं कि फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पर जो भी आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपको पता चलता है कि हाँ मेरा ये पर्टिकुलर टॉपिक वीक है तो मुझे इस पर फोकस करना है, मुझे इसी चैप्टर को दोबारा पढ़ना है। क्योंकि जब पेपर से पहले 10-15 दिन आपके पास बच रहे हो तो आप क्या पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ लोगे, आपको मतलब दंगल से आपको ये पता चल जाता है कि हाँ मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, ये मुझे आता है, तो वो खासियत है दंगल की। और जब फुल सिलेबस हम देते हैं ना तो एक अलग ही मार्क्स भी मार्क्स असली लास्ट में इंक्रीज होते हैं जब फुल सिलेबस देते हैं। तो बस यही था, दंगल सबसे बेस्ट टेस्ट रहे, फिर हमने दंगल दिए। उसके बाद हमारा एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम मतलब फिजिक्स का तो पूरा पेपर इस बार ऐसा था, CLC के जो भी टेस्ट थे ना, मतलब एक भी क्वेश्चन उनसे बाहर ही नहीं था फिजिक्स में। और इस बार फिजिक्स का पेपर भी काफ़ी आसान है, जो फिजिक्स मुझे हमेशा से मतलब ऐसे डराती थी कि मतलब नहीं होगी भाई फिजिक्स क्या है ये, तो आज शायद उसी की वजह से मेरा स्कोर इतना अच्छा बन रहा है। फिजिक्स में मेरा एक ही क्वेश्चन गलत हुआ इस बार। तो ये मेरी जर्नी रही CLC के साथ। उसके बाद जब मैं CLC सीकर में आई तो मैंने यहाँ पर ऐसी मतलब दो चीज़ें थी जो मुझे यहाँ की सबसे बेस्ट लगी। जो सबसे पहला था कैंप, देखो पढ़ाई तो सभी बच्चे करते हैं, रोज़ करते हैं, मतलब पढ़ाई करना मतलब हम सभी मेहनत करते हैं, पर जो चीज़ बच्चे को आगे ले जाती है वो ये होती है कि पढ़ाई का मोमेंटम मेंटेन रखना। अगर हम रोज़ 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसको रोज़ पढ़ना ये ज़रूरी है, ये नहीं कि एक दिन तो हमने 10 घंटे पढ़ाई कर ली और दूसरे दिन पढ़ाई करी नहीं, क्योंकि उससे माइंड में कुछ नहीं जाता, रोज़ पढ़ने से जाता है। तो वो कंसिस्टेंसी को कैंप बहुत मेंटेन करे रखता है, क्योंकि अगर हमारा मन भी नहीं होगा तो हमें कैंप में भेजा जाएगा, वहाँ इतने सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, अब उनको देखकर तो हमें ऐसी फीलिंग आएगी ना कि हम क्या कर रहे हैं, सारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ नहीं रहे, तो हम तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर उनको देखकर वैसे ही पढ़ने का मन नहीं हो जाता है। और वैसे भी जब हम घर से दूर होते हैं तो इतने सारे बच्चे जब हमारे सामने पढ़ रहे होते हैं तो घर की भी याद नहीं आती, ये भी एक कैंप का मतलब बहुत अच्छा वो है। और कैंप का माहौल मतलब सच में जो बेस्ट चीज़ है ना, जो किसी बच्चे के सिलेक्शन को बहुत मतलब मेरे मार्क्स को तो सिर्फ कैंप नहीं बढ़ाया, मैंने एक भी दिन का कैंप नहीं छोड़ा था, एक तो वो चीज़ थी। और उसके बाद जब इंसान दिन भर काम करता है फिर उसके बाद वो थोड़ा सा लो फील करता, मतलब दिन भर काम किया, मतलब पढ़ाई करी दिन भर, फिर उसके बाद शाम को जब हम असेंबली में बैठते तो हमारी दिन भर की थकान वैसे ही दूर हो जाती थी। असेंबली में हम हनुमान चालीसा का पाठ करते थे और ऊपर से बॉस इतने सारा मोटिवेशन देते थे कि हमें तुम्हें आगे तक जाना है, तुम कहीं से कहीं भी जा सकते हो, कितना भी जंप लगा सकते हो, तो मैं ऐसे नहीं है कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे तो इतने आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कितने भी मार्क्स आ सकते हैं। अगर मैंने भी कुछ गलतियां ना की होती तो शायद मेरे और अच्छे मार्क्स आ जाते। पर पेपर में क्या होता है, मतलब ऐसा होता है कि हमने बायोकेमिस्ट्री कर ली, अब हम देखते हैं फिजिक्स के लिए कितना टाइम बच रहा है। अगर मेरे पास फिजिक्स के लिए सिर्फ 1 घंटा और 20 मिनट बचे थे तो उस टाइम बहुत मतलब दिमाग ऐसे प्रेशर में आ जाता कि
मेरा साथ तो ऐसा हुआ था इस बार भी कि फिजिक्स के लिए 1 घंटा 20 मिनट बता तो 20 मिनट बचा तो मुझे ऐसा लगा शायद इस बार भी मेरी फिजिक्स छूट जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। बॉस ने लास्ट बार मतलब लास्ट में जब आपने असेंबली की थी तो आपने एक बात बोली थी कि जब भी तुम्हें ऐसा मतलब ऐसा फील लगे कि अब मतलब मैं बहुत घबरा गया बहुत ही स्ट्रेस में आ गया हूँ तो एक बार अपने बॉस को आँख बंद करके याद कर लेना और क्या और सोचना कि तुम्हारे बॉस तुम्हारे पीछे ही खड़े हैं, वो तुम्हारे साथ है। तो बॉस बस यही था कि हमने उस वक्त बस आपको याद कर लिया आँख बंद करके और आपकी बातें हमें याद आ गई। फिर हमने सोचा चलो कुछ नहीं छोड़ो जितनी फिजिक्स होगी हम कर लेंगे, जितने नंबर आएंगे उतने बन जाएंगे। फिर मैंने फिजिक्स शुरू किया, फिजिक्स मेरी 45 मिनट्स में हो गई। मतलब मेरे लिए बहुत सरप्राइज़ की बात थी कि सच में फिजिक्स 45 मिनट्स में होगी। मतलब मैं तो घर आके भी इतनी खुशी कि फिजिक्स में मेरे इतने अच्छे मार्क्स बैठ रहे हैं। तो बस यही था। और साथ ही मैं सारे बच्चों को एक बात और बताना चाहती हूँ जो भी अभी 11th 12th में पढ़ाई कर रहे हैं कि फिजिक्स में है ना उसकी एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें, क्योंकि एनसीईआरटी इस बार 2 असेशन रीजन के क्वेश्चन डायरेक्ट थे जो कि एनसीईआरटी की लाइन से थे। और अगर आप मतलब जैसे जब आपके चैप्टर चल रहे हैं ना क्लास में फिजिक्स की एनसीईआरटी को आप तभी पढ़ लें और मेन मेन पॉइंट्स आप तभी मतलब मार्क कर लें और बाद में जब टेस्ट हो तो उन्हीं को देखें। और टेस्ट से पहले जो फिजिक्स में लास्ट के जो पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी जो दी होती है उसको ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि उससे मतलब मैंने देखा है कि जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट वहाँ से बन के आ जाते हैं, डायरेक्ट एज इट इज़ लाइन उठ के आती है वहाँ से। तो पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी तो ज़रूर पढ़नी है और चैप्टर को एक बार थ्योरली ज़रूर पढ़ना है, उसमें से मेन पॉइंट्स मार्क करने। और बस मैं बाकी बच्चों को ये कहूँगी पेपर में बिल्कुल काम और कूल रहना। चाहे पेपर आप ये सोचो अगर बायो और केमिस्ट्री हार्ड है तो वो फिजिक्स अपने आप आसान दे देंगे, और अगर बायो केमिस्ट्री आसान दिए तो जल्दी करो वो फिजिक्स हार देंगे। मतलब हमारे साथ खेल खेलते हैं बस ये एनटीए वाले, और कुछ नहीं है, बस ये कि अपने आपको काम और कूल रखना है। बाकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, जितना स्कोर आ रहा है मतलब अभी 11th के बच्चे होते हैं जैसे मेरी बहन है उसका भी स्कोर मतलब ऐसे 500-550 आता है, वो भी मतलब तो मेरे से बोलती दीदी इतने कम मार्क्स आ रहे हैं दीदी कैसे होगा। मैंने बोला कोई नहीं मेरे तो फर्स्ट टेस्ट में बताती हूँ मेरे तो 428 मार्क्स आए थे, वो तो यूनिट डायमेंशन का टेस्ट था उस टाइम मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। तो सोचिए 428 से फिर मेरे लास्ट में 11th में 550 तक आराम से पहुँच गए थे। तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि चिंता की कोई बात नहीं अपने आप हो जाएगा, मतलब हम अगर हार्डवर्क करेंगे ना तो हमारे हार्डवर्क को कोई बीट नहीं कर सकता, हमें उसका लास्ट में रिजल्ट मिलना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। और थोड़ा सा भगवान पे विश्वास रखें कि भगवान हमारे साथ सब अच्छा ही करेगा, हमने मेहनत की हमने ईमानदारी से मेहनत की तो सब अच्छा होगा बस। और बॉस का भी बहुत सपोर्ट रहा, मतलब बॉस आप पहले बोलते थे ना कि पहली बार में हो जाता है तो अच्छा है लेकिन अगर पहली बार में नहीं हुआ तो बहुत और अच्छा है, क्योंकि क्या पता भगवान ने आपके लिए अगले साल और भी अच्छा कुछ सोचा हो। तो बस यही है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और मेरी आज मेरी पोजीशन पे भी बहुत सारे बच्चे होंगे तो जो 580 400 भी आ रहे हैं, 400 वाला भी बहुत मेहनत करता है, 500 बस उनका ये होता है कि वो सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी बस अपनी क्या पता आपके इस साल का रिजल्ट आपको अगले साल मिले, भगवान ने आपके लिए कुछ बहुत ही बेटर सोचा हो, तो प्लीज़ हार नहीं माने। और एक बात और है कि मान लो अभी आपने तैयारी छोड़ दी आपके 580 आ रहे कि नहीं हुआ मैं तो थक गया 2-3 साल हो गए, तो ऐसे मत सोचिए क्योंकि पछतावे से बेहतर होता है कि हम 1000 बार तैयारी करके देख लें, क्योंकि पछतावा इंसान को ज़िंदगी भर रहेगा, फिर आपको ज़िंदगी भर अपने मन में गिल्ट रहेगा कि काश मैं एक बार और ट्राई कर लेता, काश मेरा नीट में हो ही जाता। तो प्लीज़ हार नहीं माने और अपने टेस्ट प्रॉपर दे, टेस्ट एक भी नहीं छोड़ना है और फिजिक्स की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है। बाकी फिर बस ये मैसेज, घबराए नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल काम और कूल रहे हैं, आपने अगर हार्डवर्क किया है तो कोई आपके हार्डवर्क को बीट नहीं करेगा, आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा बस, और कोई चिंता ना करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।